हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसका नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हमने पढ़ा डिविडेंड डिस्काउंट मेथड, जिसमें तीन मेथड हैं। एक है नो ग्रोथ मॉडल, और एक है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, और एक है मल्टीपल ग्रोथ मॉडल। D1 by KE, D1 divided by KE minus GC, BE divided by KE minus GC, ये इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, यू कैन से फेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। उसके बाद हमें सिर्फ फेयर वैल्यू निकाल के अपना डिसीजन नहीं लेना है, कुछ एनालिसिस करने पड़ते हैं। तीन एनालिसिस हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, और एक थर्ड होगा कंपनी एनालिसिस। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की इकोनॉमिक एनालिसिस की, जिसमें हमने बात की उसके फैक्टर्स की और उसके टेक्निक्स की। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द इकोनॉमिक एनालिसिस, वह GDP, इन्फ्लेशन, ग्रोथ इन इंडस्ट्री एंड मॉनसून। फिर बात की हमने टेक्निक्स यूज इन इकोनॉमिक एनालिसिस, एंटीसिपेटरी सर्वे, बैरोमीटर और इंडिकेटर अप्रोच, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। तो ये तीन, एंटीसिपेटरी में क्या होता है, एंटीसिपेटरी में हम बात करते हैं कि सर्वे करेंगे लोगों से मिल के कि आप क्या फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कहाँ से आप स्पेंडिंग आपकी कहाँ होने वाली है। तो एक टेक्निक है बैरोमीटर, इंडिकेटर, लीडिंग है। उसमें तीन टेक्निक था, एक लीडिंग, एक कोइंसिडेंशियल और लैगिंग टेक्निक। तो तीनों इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम अपना डिसीजन लेते हैं। और एक इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच, जो कि GNP कैलकुलेशन करते हैं, उसके कंपोनेंट को कैलकुलेट करते हैं, मेज़र करते हैं और कंबाइन करके देखते हैं कि हमारा फ्यूचर इनकम क्या होने वाला है नेशन का। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस की, हमारा अगला टॉपिक ये है। और उसको शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है क्लियर सी एग्ज़ाम्स। और हमारा विज़न है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्ज़ाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आज फिर से मैं एक बात बोलूँगा जो कि मैं बोलता रहता हूँ कभी कभी, और वो बात है कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। चलना है पथ पे और चलता रहूंगा, हार नहीं मानूंगा, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखता रहूंगा। कुछ हो ना हो बट एक अच्छा मुसाफिर तो ज़रूर बन जाऊंगा। समझ रहे हैं आप? तो चलिए हम लोग भी चलते हैं अपने पथ पे। क्या होगा एंड रिजल्ट तो किसी को पता नहीं, लेकिन हम अच्छा मुसाफिर बनने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हमारे यहाँ मुसाफिर का मतलब ये है कि हम अच्छा लर्नर बनने की कोशिश ज़रूर करेंगे, अच्छे से हम अपनी पढ़ाई ज़रूर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक इंडस्ट्री एनालिसिस का है, तो उसको शुरू करते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो आपको अच्छा लगे, ठीक है, हाईलाइटर चूज कर लेते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस, पहली बात ये है क्या, पहला कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि हम इंडस्ट्री एनालिसिस पे बात ही क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री एनालिसिस की करने की नौबत क्यों आ गई मेरे को। हमने इकोनॉमिक एनालिसिस किया, पूरा देश की इकोनॉमी को एनालाइज कर लिया कि इस इकोनॉमी में GDP कैसी है, इन्फ्लेशन कैसा है, मॉनसून कैसा है, ये वो सब एनालिसिस कर लिया। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि क्या सिर्फ इसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन ले लेंगे। मेरा देश बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, नंबर वन नेशन इन टर्म्स ऑफ द GDP ग्रोथ, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि बहुत सारे फ्रॉड भी आ रहे हैं सामने कि ये कंपनी यहाँ पैसा लेके भाग गई, ये कंपनी डूब गई, ये कंपनी का पैसा खो गया, एंड सो एंड सो ऑन। खो नहीं गया, सब तो लेके भाग ही रहा है। डूब गई कंपनी, नॉन प्रॉफिट हो गई, प्रॉफिट नहीं कमा पा रही। तो कहने का मतलब ये है कि आपने किसी कंट्री का एनालाइज कर लिया, कंट्री की इकोनॉमी को एनालाइज कर लिया, अब उसके डीपर जाना होगा। जैसे कि ये एक स्टेप फॉरवर्ड है, मतलब आप एक अगला स्टेप लोगे यहाँ से यहाँ आने का। और ऐसा आप क्यों करोगे, क्योंकि आपको करेक्ट डेटा चाहिए होता है एक अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का। हो सकता है कि एक इकॉनमी अच्छे से ग्रो कर रही हो, लेकिन जिस इंडस्ट्री में आप इंटरेस्टेड हो, जिस इंडस्ट्री में आप पैसा लगाना चाहते हो, क्या वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, दैट इज़ द क्वेश्चन। अगर आप
कोई भी स्टील इंडस्ट्री या फिर हाउसिंग इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहते हो तो वो ग्रो नहीं कर रही। कार मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपकी अपनी एक यूनिट लगाना चाहते हो तो वो ग्रो नहीं कर रही, समझ रहे हो। इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है बट देर आर सम इंडस्ट्री विच आर नॉट ग्रोइंग अप। तो ये स्टेप डाउन हो गया, मतलब यहाँ से हमने शुरुआत की थी अब इधर आएंगे। और फिर ये ख़त्म होने के बाद हम फिर आ जाएंगे कहाँ पे, कंपनी एनालिसिस, एकदम डाउन द लाइन, मतलब एकदम पूरी तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद ही हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट होता है। आई होप आपको ब्रॉडर टॉपिक पता है, अभी आपको याद है ब्रॉडर टॉपिक क्या है हमारा। हम अभी पढ़ रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस, हमारा चैप्टर है सिक्योरिटी एनालिसिस। मैं बार बार बोलता हूँ ब्रॉडर टॉपिक के बारे में समझना ज़रूरी है, हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका ब्रॉडर टॉपिक क्या है। हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री एनालिसिस, लेकिन किस मकसद से पढ़ रहे हैं, क्या मेरा आउटकम वहाँ से निकलना है, तो वो समझने के लिए आपको समझा हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके ऊपर हम अपना डिसीजन लेंगे कि बाय होल्ड और सेल करना है मेरी सिक्योरिटी को। तो पहले हमने उसकी फेयर वैल्यू निकाली, सपोज़ करिए फेयर वैल्यू मेरी 100 रुपीज़ है और मार्केट में वो 90 रुपये का है, तो लेकिन इसके हिसाब से तो मेरे को ख़रीद लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्या, मुझे और फर्दर एनालिसिस करना होगा फ्यूचर ग्रोथ। मैं मतलब एज अ सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर में आपको ये रहेगा कि हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं हमेशा, एक दिन का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं कि 90 लगा के 100 होगा तो निकल लेंगे 10 रुपया कमा के, ऐसे नहीं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी एनालिसिस कर रहे हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम पहला चीज़ जो पढ़े वो आपको पता ही है, फेयर वैल्यू निकालना। फेयर वैल्यू निकालने के बाद ये एनालिसिस करना ज़रूरी है, इकोनॉमिक एनालिसिस, फिर इंडस्ट्री एनालिसिस और फिर कंपनी एनालिसिस। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता चले, नॉट एग्जैक्ट बट यू विल गेट द क्लियर पिक्चर कि क्या ये इंडस्ट्री या फिर ये कंपनी सही है आपके लिए या नहीं, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया कि ये इंडस्ट्री एनालिसिस टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, या फिर ये एनालिसिस ही क्यों कर रहे हैं हम लोग। आइए ये बताना, मेरा मकसद सिर्फ इतना रहता है ये बताने का कि अगर आप जब पढ़ रहे हो तो आपको मकसद पता होना चाहिए कि किस लिए पढ़ रहे हैं। बस पढ़ ले रहे हैं इंडस्ट्री एनालिसिस, अगर मैं अभी पढ़ा दूंगा फिर किस लिए पढ़े ये समझना ज़रूरी है कि मैं किस लिए इस चैप्टर को पढ़ा, ठीक है। लेट्स मूव। व्हेन एन इकोनॉमी ग्रो इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट ऑल इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी वुड ग्रो एट द सेम रेट। ये अनलाइकली है, ऐसा नहीं माना जाता कि सारी इंडस्ट्री एक साथ ग्रो कर रही है अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो। सो इट इज़ नेसेसरी टू एग्जामिन इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स, इन एडिशन टू इकोनॉमिक वाइड फैक्टर्स। कहने का मतलब ये है कि आपको ज़रूरी, जैसे हमने अभी बात की कि पूरी इकॉनमी ग्रो कर रही है तो इसका मतलब नहीं सारा इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो आपको उस इंडस्ट्री वाइज फैक्टर्स को भी एनालाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एन असेसमेंट हैज़ टू बी मेड रिगार्डिंग ऑल कंडीशंस एंड फैक्टर्स रिलेटिंग टू द डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। पहला एनालिसिस आपका क्या हो गया, ऑल द कंडीशंस एंड फैक्टर्स रिलेटिंग टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। जैसे आप कार मैन्युफैक्चरिंग में अपना एक यूनिट लगाना चाहते हो, लेकिन कार की डिमांड कैसी है, कंडीशन कैसा है उस मार्केट का, क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके रिलेटिंग डिमांड के, जैसे कि क्या फैक्टर हो सकता है कार के परचेज़ के लिए, मतलब उसका डिमांड बढ़ाने के लिए, लोगों की इनकम बढ़े, लोगों के अंदर विश्वास हो कि मैं अच्छा फ्यूचर में कमा पाऊँगा, फिर जाके मेरे को EMI पे लोन ले लो, फाइनेंस करा लेता हूँ कार, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं आपको एनालाइज करने, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे कि डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट को आप एनालाइज करिए पूरी तरीके से, उसके फैक्टर्स जो जो उसको अफेक्ट करते हैं। फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री एंड अदर इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंट कॉन्स्टेंट्स ऑन द सेम। उसके कॉस्ट स्ट्रक्चर मतलब वो कैसे अपनी कॉस्टिंग निकालता है, कितना कितना कहाँ कहाँ खर्चा करता है, और अदर इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंट कॉन्स्टेंट, गवर्नमेंट का उस इंडस्ट्री के ऊपर क्या फोकस है और इकॉनमी कैसा काम कर रही है उसके ऊपर। सिंस द बेसिक्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी कंपनी डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री टू विच इट बिलोंग्स, एन अप्रेजल फॉर द पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज प्रोपोजल इज इसेंशियल। कहने का मतलब ये है कि सिंस द बेसिक प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी कंपनी, जो कंपनी की एक बेसिक प्रॉफिटेबिलिटी होती है कि मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा,
वो डिपेंड करता है अपॉन द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री, उसके इकोनॉमिक आपकी प्रॉफिट कहाँ से दिखेगी, जब ग्रोथ होगा, जब इनकम होगा, जब सेल होगा, जब टर्नओवर बढ़ेगा, तभी तो होगा ना, उसके इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है, टू विच इट बिलोंग्स। एंड अप्रेजल ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज प्रोस्पेक्ट इज इसेंशियल, और उसको अप्रेजल करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक देश में कोई इंडस्ट्री है, अगर उसको अप्रेजल नहीं मिल रहा है, सपोज़ करो कि हार्ले डेविडसन पे जो अमेरिकन कंपनी है उस पे लंबा चौड़ा टैक्स लगा हुआ है, इम्पोर्ट ड्यूटी 50%, आई एम नॉट श्योर, बहुत अभी इंडिया और अमेरिका के बीच में टैरिफ वॉर भी शुरू ही हो गया है, तो उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं, वहाँ पे अप्रेजल नहीं मिल रहा है उस फॉरेन कंपनी को जो इंडिया में आ रही है, ठीक है। हाँ, इंडिया में जो कंपनीज हैं उन पे थोड़ा सा कम टैक्सेस है, बट कार और अगर बात की जाए प्रीमियम बाइक्स की तो वहाँ पे भी हैवी टैक्सेस हैं, ठीक है, तो अप्रेजल की बात वहाँ पे आती है। फिर बात आती है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्री एनालिसिस, क्या क्या फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस को। द फॉलोइंग फैक्टर्स मे पर्टिकुलरली बी केप्ट इन माइंड वाइल असेसिंग द फैक्टर्स रिलेटिंग टू, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं आइए देखते हैं एक एक करके। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिमांड सप्लाई गैप, बैरियर्स टू एंट्री, गवर्नमेंट एटीट्यूड, स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द इंडस्ट्री, ये टोटल पाँच हो गए। पाँच के बाद भी है क्या कोई, या कॉस्ट कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, एक ही करके देखते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आपको क्या लग रहा है, इस वर्ड से पहले पढ़ने से पहले इस वर्ड के बारे में सोचते हैं, ये फैक्टर है जो हमारे इंडस्ट्री एनालिसिस को अफेक्ट करेगा, वन ऑफ द फैक्टर्स। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, एक प्रोडक्ट कितना दिन तक जिंदा रहेगा, ऐसा ही लग रहा है ना, ह्यूमन लाइफ साइकिल, बच्चा से ग्रो होगा, मैच्योर होगा, 18 प्लस होगा, फिर 25, 30, फिर 40, 45 के बाद बूढ़ा होता जाएगा, फिर उसके बाद ये एक लाइफ साइकिल है, मतलब एक प्रोडक्ट है, एक बच्चा है, जैसे आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके लिए एक बच्चा है, अगर फीलिंग से सोचा जाए, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट जब बनाते हो तो बच्चा रहता है, उस पर रिसर्च करते हो, R&D करते हो, बड़ा करते हो उस बच्चे को, उस प्रोडक्ट को बड़ा करते हो, पॉपुलर कराते हो, एडवर्टाइजमेंट कराते हो, एकदम मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट बना देते हो उसको, लेकिन कभी तो कभी एक नया प्रोडक्ट फिर आएगा, वो डिटोरिएट होता जाएगा, वो फिर उसकी जो चमक है वो धूमिल होती जाएगी, आपको नया प्रोडक्ट फिर से लाना पड़ेगा, तो एक प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, तो वो आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, आइए देखते हैं। एंड इंडस्ट्री यूजली एग्जिबिट्स हाई प्रॉफिटेबिलिटी इन द इनिशियल एंड द ग्रोथ स्टेज, एक इंडस्ट्री कोई भी प्रोडक्ट के इनिशियल और ग्रोथ स्टेज में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कमाती है, क्योंकि प्रोडक्ट नया रहता है, नए लोग रहते हैं, यूज्ड सामान को हर कोई चूज़ करना चाहता है, मतलब एटलीस्ट यूज़ करना चाहता है। आपको एक एग्जांपल देते हैं कैडबेरी का, कैडबेरी का आपको देखते होंगे कि हर महीने में एक नया कैडबेरी आ जाता है, वो आदमी को पता है कि चॉकलेट में कुछ जब तक नया नहीं रहेगा तो चॉकलेट खा के कोई फ़ायदा नहीं, उनकी एडवर्टाइजमेंट इसी पे बेस्ड है, कभी वो बबल बना देते हैं कैडबरी में, कभी वो नट्स डाल देते हैं, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नया नया प्रोडक्ट उसमें बनाते रहते हैं, तो इनिशियली उनको बहुत फ़ायदा होता है और ग्रोथ जब रहती है तो भी फ़ायदा होता है, बट स्टेडी प्रॉफिटेबिलिटी इन द मैच्योरिटी स्टेज, जब वो मैच्योर होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी फिक्स हो जाती है, मतलब अपने पीक पे पहुंच जाती है, फिर उससे ज़्यादा क्या बढ़ेगी। फिर बात आती है एंड ऑफ सार्प डिक्लाइन इन द प्रॉफिटेबिलिटी इन द लास्ट स्टेज ऑफ द ग्रोथ, और जब लास्ट स्टेज आती है तो भैया प्रॉफिटेबिलिटी एकदम धीरे धीरे डिटोरिएट होती रहती है, नीचे चली जाती है, तो मैं बोल रहा था कि इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी पे अगर किस इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हो तो उस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है आप किस समय पैसा लगाना ज़्यादा उचित समझोगे, इनिशियल स्टेज में, जी हाँ इनिशियल स्टेज में, और ग्रोथ के स्टेज में, ना कि मैच्योरिटी के बाद, जब मैच्योरिटी में अगर आप पैसा लगाओगे तो देयर विल बी नो ग्रोथ, अब जब ग्रोथ नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपका पैसा वहीं पे स्टक हो जाएगा, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी, हालांकि उसके दूसरे प्रोडक्ट हो सकते हैं,
लेकिन आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा वो ऑलवेज ऑन द इनिशियल एंड द ग्रोथ स्टेज. यू यू विल वांट टू इन्वेस्ट इन द इनिशियल एंड ग्रोथ स्टेज. मोस्ट प्रेफरेबल क्या होगा, इनिशियल स्टेज में, क्योंकि उस समय उस प्रोडक्ट का दाम भी कम होगा और ग्रोथ में थोड़ा सा तो प्राइस हाई होगा, तो यू कैन कंसिडर दैट. अपना हिसाब से कॉस्टिंग करके आप उसको लगा सकते हैं. फिर बात आती है दूसरे फैक्टर की, वो है डिमांड एंड सप्लाई. क्या ये, तो भाई देखो बचपन से अपने को पता है डिमांड बढ़ेगा सप्लाई घटी है, तो डिमांड बढ़ेगा सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड घट, ये गैप आपको तो पता ही है. लेकिन देखते हैं क्या लिखता है, एक्सेस सप्लाई रिड्यूसेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री. आपको ऐसा क्यों लग रहा है बताइए, सोचिए कि एक्सेस सप्लाई आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इम्पैक्ट करेगी. जब सप्लाई ज़्यादा होती है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको, जब कोई भी फ्रूट का सीज़न आता है, जब भी कोई वेजिटेबल का सीज़न आता है, तो उसकी प्राइस गिर जाती है. जैसे कि मैंगो सीज़न अभी चल रहा है, तो उसकी प्राइस बहुत ही डाउन हो गई, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई. तो वो बात आती है कि जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द यूनिट प्राइस ड्यू टू रियलाइजेशन. तो एक यूनिट का प्राइस रियलाइज जो होता है वो बहुत कम होता है. वाइल इनसफिशियंट सप्लाई टेंड्स टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज ऑफ द हायर यूनिट प्राइस रियलाइजेशन. अब जो इनसफिशियंट सप्लाई रहेगा, जब सप्लाई कम रहेगा, जैसे कि अगर सपोज करो ब्लैक मार्केटिंग होने लगे, दाल को सब स्टोर करने लगे, प्याज को कोल्ड स्टोरेज में सब रखने लगे कि प्राइस बढ़ेगा तभी बेचेंगे, तो क्या होगा उस समय? उस समय तो वो यही होगा ना कि सारा प्राइस वो ऊपर चला जाएगा प्याज का. मतलब प्याज जब कम ग्रोथ कम रहेगा, सो यू विल व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट जस्ट द हायर प्राइस. तो डिमांड सप्लाई गैप भी आपको समझना होगा कि अगर सप्लाई ज़्यादा तो वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी कम आएगी. जैसे आप इंडस्ट्री के बारे में सोचोगे तो उस हिसाब से आपको सोचना है कि इस इंडस्ट्री में ज़्यादा सप्लाई है या कम सप्लाई है, वो भी आपका एक फैक्टर होगा इंडस्ट्री एनालिसिस में. बैरियर्स टू एंट्री एंड इंडस्ट्री विद द हाई प्रॉफिटेबिलिटी वुड अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट. देखो भाई, एक इंडस्ट्री जो अच्छी खासी प्रॉफिटेबल है, उसमें अच्छा खासा पैसा है, जैसे कि माइनिंग का है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का पेट्रोल बनाने का, वो पेट्रोल माइन करते वो लोग, वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. द पोटेंशियल एंट्रेंस टू द इंडस्ट्री हाउएवर फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू एंट्री. लेकिन वहाँ पे रिलायंस भाई, किसी को मुकेश अंबानी भाई किसी को ढोकने नहीं देंगे. उनका तो ज़्यादातर चीज़ों पे वो कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ कि हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ऑयल. तो बात वही है कि वहाँ पे एंट्री लेवल बहुत ही टफ रहेगा. सम ऑफ दीज बैरियर्स आर इनिंग टू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्ट. सम ऑफ द बैरियर्स जो रिलेटेड रहते हैं उस प्रोडक्ट के और टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन, वाइल अदर बैरियर्स आर क्रिएटेड बाई एग्जिस्टिंग फ्रेंड. कुछ तो बात आती है कि आप तो एक्सपर्ट नहीं हो माइनिंग में, जैसे कि प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है. अदर बैरियर्स और भी हो सकते हैं जो एग्जिस्टिंग फॉर्म्स के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, जैसे कि वो अपनी पॉलिटिकल जो क्षमता है उसको यूज़ करेंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट न दिलाने के लिए, अपने को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए ऐसा कोशिश करेंगे वो. तो बहुत सारे बैरियर्स टू एंट्री भी हैं. अगर आप किसी इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हो, तो उस इंडस्ट्री में अगर कोई नए एंट्रेंट्स पे पैसा लगा रहे हो, कोई नया एंट्रेंट्स उस पर आ रहा है, आपसे इन्वेस्टमेंट मांग रहा है कि भाई मेरे में एंजल इन्वेस्टिंग कर दो, मैं इस इंडस्ट्री में जाऊंगा और बहुत तबाही मचाऊंगा, तो उसे पूछिए भाई कि कैसे जाओगे वहाँ पे. तो धीरू भाई अंबानी के पोते लड़के बैठे हैं, मुकेश अंबानी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आप फिर बात करते हैं अपने गवर्नमेंट एटीट्यूड. हाँ, द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स एन इंडस्ट्री इज़ अ क्रूशियल डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का एग्जांपल दूँ, तो गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रियायत देने को तैयार है कि आप आइए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाइए, हम बस 5% GST लेंगे और प्रोडक्ट आप बेचिए धुआंधार. मतलब टैक्सेस अब आपको कम देने होंगे. अभी तो 28% सर टैक्स है GST, फिर उस पर क्या क्या सरचार्ज और क्या क्या लगता है. कार मैन्युफैक्चरर जो कार बना के बेचते हैं कस्टमर्स को, तो भी हैवी टैक्स पे करना पड़ता है. अगर 5% टैक्स रहेगा तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड उस इंडस्ट्री की तरफ बहुत ही सॉफ्ट है. तो ये भी आपको एज एन इन्वेस्टर आपको देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है, गवर्नमेंट कहाँ पे पैसा अभी लगाने वाली है. ठीक है, मतलब कहाँ उनका ध्यान है.
अगले फैक्टर की बात करें जो कि है स्टेट ऑफ कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। स्टेट ऑफ द कंपटीशन इन इंडस्ट्री, क्या पता चल रहा है इस लाइन से? उस इंडस्ट्री में कंपटीशन का स्तर क्या है? व्हाट इज द लेवल ऑफ द कंपटीशन इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री? कैसा कंपटीशन है? हेल्दी कंपटीशन है? कितना इंटेंस कंपटीशन है? प्राइस को लेके, प्रोडक्ट को लेके, डिमांड पैटर्न सप्लाई को लेके कैसा कंपटीशन है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। फैक्टर्स टू बी नोटेड आर, क्या फैक्टर्स टू बी नोटेड है? फर्म्स विथ लीडरशिप एंड कैपेबिलिटी एंड द नेचर ऑफ कंपटीशन अमंग्स देम इन फॉरेन डोमेस्टिक मार्केट। जो फर्म्स हैं विथ लीडरशिप कैपेबिलिटी, जिनके पास लीडरशिप स्किल्स है, एंड द नेचर अमंग्स देम इन द फॉरेन एंड डोमेस्टिक मार्केट, और उनका नेचर कैसा है कंपटीशन का अपने देश में और बाहर के मार्केट में। टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे मैन्युफैक्चरर्स विज मे बी होमोजीनियस और हाईली डिफ्रेंशिएटेड, या तो एक जैसा प्रोडक्ट बनाते हो या फिर डिफ्रेंशिएटेड मतलब यूनिक प्रोडक्ट बनाते हो। डिमांड प्रोस्पेक्ट थ्रू क्लासिफिकेशन वाइज कस्टमर वाइज, और उनका डिमांड प्रोस्पेक्ट्स क्या है, जैसे कस्टमर वाइज एरिया वाइज कैसा उनका डिमांड है, किस कस्टमर को, मतलब मिडिल क्लास हायर क्लास लोअर क्लास को टारगेट है, एरिया वाइज टायर वन टायर टू टायर थ्री किस एरिया को टारगेट करके वो बेचते हैं माल। चेंजेस इन डिमांड पैटर्न इन द लॉन्ग इमीडिएट शॉर्ट रन, उनके डिमांड में क्या बदलाव होते रहते हैं। टाइप ऑफ इंडस्ट्री द फर्म इज प्लेस्ड विज, उसमें ग्रोथ कैसा है, सिलिकल डिफेंसिव और डिक्लाइन, या सिलिकल ग्रोथ है सेम है या फिर डिफेंसिव ग्रोथ है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है डिक्लाइन है कैसे है। एक एक बारे में बात करते हैं। पहला है फॉरेन और डोमेस्टिक मार्केट में उनका कंपटीशन कैसा है। कोई भी एक इंडस्ट्री उठा के देखिए, जैसे कि आपका सौमी है, सौमी क्या है, एक डोमेस्टिक मार्केट उनका एक है और एक फॉरेन मार्केट, यहाँ पे इंटेंस फाइट हो रही है प्राइस को लेके, प्रोडक्ट को लेके। टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स दे मैन्युफैक्चर्स, एक्सक्यूज मी, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सभी एक जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं आजकल बात करें, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन है। अभी पॉपअप कैमरा में लाइट आ गई, K20 प्रो में थोड़ा सा लाइट है, हाईली डिफरेंशिएटेड तो नहीं है बट ऑलमोस्ट होमोजीनियस ही प्रोडक्ट बनते हैं मोबाइल इंडस्ट्री में। डिमांड प्रोस्पेक्ट ऑफ द थ्रू क्लासिफिकेशन, डिमांड प्रोस्पेक्ट क्या है, कस्टमर वाइज, अब जो मेनली शॉमी का जो कस्टमर है वो मिडिल क्लास है, हायर क्लास नहीं है, सम हायर क्लास आल्सो, बट मेन फोकस उनका हाई मिडिल और लोअर क्लास पे रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर 4500 सीरीज, मतलब 4500 से उनका प्रोडक्ट शुरू होता है। मोबाइल की बात करें वो तो पूरी चीज़ ही बनाते हैं वो लोग। फिर एरिया वाइज उनका कहाँ टायर वन टायर टू में एकदम भयानक सेल रहता है, टायर थ्री में सैमसंग वीवो और ओप्पो ज़्यादा मेरे हिसाब से बिकते होंगे क्योंकि ऑनलाइन रीच उनकी नहीं है। अभी ऑफलाइन स्टोर्स भी बहुत सारे प्रेफर्ड पार्टनर खुल गए हैं सौमी के। तो ये एनालिसिस है। चेंजेस इन डिमांड पैटर्न इन द लॉन्ग इमीडिएट शॉर्ट रन, डिमांड पैटर्न आप समझिए कि एक प्रोडक्ट आया सौमी का, जैसे K20 प्रो अभी आया, K20 प्रो, उसका लॉन्ग रन में क्या डिमांड होगा? लॉन्ग रन में शायद वो नहीं बिके, इमीडिएट तो अच्छा खासा सेल होगा, 70,000 लोग 855 वाला कूपन भी खरीद लिए थे। शॉर्ट रन में सेल अच्छा है, तो ये एक एनालिसिस है क्या डिमांड का पैटर्न रहने वाला है। शायद लॉन्ग रन में उन प्राइस को गिराएं तो शायद जैसे पोको F1 बोल के उनका फ़ोन जो बिका तो वैसे बिक जाए। फिर बात आती है टाइप ऑफ इंडस्ट्री द फर्म इज प्लेस्ड विथ, अब वो किस इंडस्ट्री में प्लेस्ड है। जैसे कि जो मोबाइल इंडस्ट्री उसमें क्या ग्रोथ है, जी हाँ भयानक ग्रोथ है, अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ बाकी है सिलिकल स्टेज में पहुँचने के लिए, मतलब कि जो मेच्योरिटी स्टेज पहुँचने के लिए। डिफेंसिव और डिक्लाइन ग्रोथ तो नहीं है अभी, तो आप ये एनालिसिस करते हो स्टेट ऑफ द कॉम्पिटिशन इन द इंडस्ट्री, ठीक है। फिर बात आती है कि कॉस्ट कंडीशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी,
कॉस्ट कंडीशन क्या है, उनकी कैसी कॉस्टिंग होती, कितना प्रोडक्ट बनाने में कितना कॉस्ट, कितना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, कितना 5%। स्वामी बोलती है मैं 5% से ज़्यादा नहीं कमाती हूँ। द प्राइस ऑफ द शेयर डिपेंड्स इन द रिटर्न। अब द इसको देखिए शेयर प्राइस से कैसे रिलेट किया गया है यहाँ पे। द प्राइस ऑफ अ शेयर डिपेंड ऑन इट्स रिटर्न विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। क्या लाइन लिखी हुई, प्राइस एक शेयर का डिपेंड करता है कि कितना उस कंपनी वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देती है, विच इन टर्न्स अगर उसको देखा जाए तो डिपेंड्स कि प्रॉफिट कितना वो कंपनी कमाती है, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ कंपटीशन इन दिस इंडस्ट्री, और वो प्रॉफिटेबिलिटी अभी स्टेट ऑफ कंपटीशन पे, मतलब जैसे स्वामी का प्रोडक्ट है उसका कंपटीशन कैसा है मार्केट में। कंपटीशन तो अभी इंटेंस है, फिर भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं रेडमी नोट 7 प्रो, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब यो यूनिक कैटेगरी में आते हैं कि वो जो वैल्यू फॉर मनी दे रहा है प्रोडक्ट वो और नहीं दे पाएगा, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स, जैसे कि शॉमी ज़्यादा ऐड नहीं करती थी पहले, अभी भी उतना ज़्यादा ऐड नहीं करती है, तो कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स कैसे हैं उस यूनिट के, ठीक है, वो कैसा कॉस्ट कंट्रोल मेजर अडॉप्ट करते हैं। एंड ग्रोथ इन डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, और उसके प्रोडक्ट की ग्रोथ की डिमांड क्या है, मतलब उस प्रोडक्ट में कितना डिमांड, मोबाइल में बहुत डिमांड है बॉस। तो ये 5 फैक्टर्स रहेगा, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्स आर, मतलब कॉस्ट कंडीशन प्रॉफिटेबिलिटी में क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए। पहला है कॉस्ट एलोकेशन अमॉन्ग वेरियस हेड्स। आपको पता हो कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके वेरियस हेड्स से होके उसे गुजरना पड़ता है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड देयर कंट्रोलेबिलिटी, मतलब उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। एक प्रोडक्ट बनता होगा तो उसके लिए क्या क्या लगता होगा, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, और क्या लगेगा, मार्केटिंग और सेल्स, तो वो तो बात का है, प्रोडक्शन की बात का, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट क्या हो गया यार, ओवरहेड कॉस्ट फॉर सम मे बी हायर वाइल फॉर अदर लेबर मे बी शो। लेबर कॉस्ट विच डिपेंड्स ऑन वेज लेबर एंड प्रोडक्टिविटी नीड्स क्लोजर स्क्रूटनी। अब ये बोल रहा है कि जो लेबर कॉस्ट है जो डिपेंड करता है वेज लेबर और प्रोडक्टिविटी, उसको स्क्रूटनी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपकी कॉस्टिंग लग रही है रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड में, आप कहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा ला पाओगे, वो लेबर ओवरहेड में ज़्यादातर आपका फोकस रहेगा कि लेबर कॉस्ट कम रहे। जैसे कि इंडिया में अभी लेबर कॉस्ट बहुत कम है इन कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री लाइक चाइना और यूरोप और अमेरिका, लेबर कॉस्ट बहुत कम है, तो आप उसको स्क्रूटनी करते हो कि मेरी जो प्रोडक्शन का की जो कॉस्टिंग है वो कैसी है। तो वो ज़्यादातर आप ये चेक करोगे कि उस इंडस्ट्री में कैसा स्क्रूटनी करते हैं ये लोग लेबर कॉस्ट को। प्रोडक्ट प्राइस कॉस्ट एलोकेशन में हम कितना प्रोडक्ट प्राइस फिक्स करते हैं, मेरा कितना कॉस्टिंग है, फिक्स कितना था, वेरिएबल कितना था, तो कॉस्टिंग का पार्ट ये है कि प्रोडक्ट प्राइस डिटरमाइन करना। कॉस्ट एलोकेशन प्रॉफिटेबिलिटी ब्रॉडर टॉपिक है अगर आपको याद हो, मतलब ऊपर ही जस्ट है। कॉस्ट कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट से हम प्रॉफिट कमाएंगे उसके कॉस्ट एलोकेट करके, तो उसमें एक पॉइंट है प्रोडक्ट प्राइसेस, वो फैक्टर्स जो हम कंसीडर करते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ द इंस्टॉलेशन आइडियल एंड ऑपरेशन, आप ये देखते होंगे कि स्वामी का जो भी प्रोडक्ट आता है वो स्टॉक में नहीं रहता, तो ये भी देखना ज़रूरी है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन आइडियल एंड ऑपरेशन, ऑपरेशन कैसा है, प्रोडक्ट कैपेसिटी कैसी है। लेवल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, ये भी देखना है कि लेवल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस इंक्रीज इन प्रोडक्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट को कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत लंबा चौड़ा कॉस्ट रहता है आपका, उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे आप बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दी, अब उसको मेंटेन करने के लिए भी खर्चा लगेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए भी पैसा लगेगा, तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, कॉस्ट स्ट्रक्चर। इन्वेस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक थ्रू एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, दिस इज कैरिड आउट बाय द स्टडी ऑफ सर्टेन रेशियोज लाइक जीपी रेशियो, ऑपरेशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, आरओआई, रिटर्न और टोटल कैपिटल एटसेट्रा। बोला इन्वेस्टर्स जो है, इन्वेस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक
अ थ्रो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, थोरो एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। एक इन्वेस्टर जब कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करता है तो उसको पूरी तरीके से समझना चाहिए, जैसे कि जीपी रेशियो कैसा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कैसा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है। तो ये आपकी प्रायोरिटी होगी जब भी आप एक इंडस्ट्री की कॉस्ट कंडीशन और प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी इंडस्ट्री एनालिसिस को। पांच फैक्टर आपने पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, दूसरा है डिमांड सप्लाई गैप, तीसरा है बैरियर्स टू एंट्री, चौथा है गवर्नमेंट एटीट्यूड, पांचवा है स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द इंडस्ट्री, फिर बात आती है कॉस्ट कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी की। फैक्टर्स, उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि कॉस्ट एलोकेशन, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, लेबर को कैसे आप स्क्रूटनी करते हो, प्रोडक्ट प्राइस कैसे फिक्स करते हो, लेबर प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी कैसी है और लेवल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा, उसकी प्रोडक्ट एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कितना कितना एक्सपेंस लगेगा। इन्वेस्टर्स को हमेशा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल पे चेक करनी चाहिए। कॉस्ट कंडीशन हमने चेक की, प्रॉफिटेबिलिटी चेंज चेक करने के लिए ये सारे रेशियो आप यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, अगला पॉइंट उसका, फैक्टर्स का। दे प्ले अ वाइटल रोल इन द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्री। जो टेक्नोलॉजी और रिसर्च है, टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट टू चेंज वेरी फास्ट, बहुत जल्दी बदलता है भाई साहब। इंडस्ट्री विच अपडेट देमसेल्फ हैव अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ओवर अदर्स इन द क्वालिटी प्राइस एटसेट्रा। जैसे अभी मोबाइल में एक टेक्नोलॉजी आई है पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो जल्दी ला रहा है उसका माल जल्दी बिक रहा है। फुल स्क्रीन बॉडी रेशियो, मतलब पूरा बॉडी पे कोई और चीज़ नहीं रहा, बस स्क्रीन रहे, ये भी एक टेक्नोलॉजी जो नहीं लाएगा आजकल, नॉच और वो सब चलने वाला नहीं है। थिंग्स टू बी प्रॉब्ड इन दिस रिगार्ड आर नेचर एंड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज। अब आप नई टेक्नोलॉजी है तो आप उसको ये देखो कि क्या नेचर है उसका, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। एक्सपेक्टेड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी फॉर न्यू प्रोडक्ट लीडिंग टू इंक्रीज इन सेल, आपको ये देखना है कि जो चेंजेस होंगे उससे क्या सेल में बढ़ोतरी होगी। रिलेशनशिप ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेल्स ओवर टाइम, कैपिटल एक्सपेंडिचर और सेल का क्या, जैसे आप नई टेक्नोलॉजी के लिए एक लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ये देखना कि फ्यूचर में आने वाले सेल में क्या बढ़ोतरी होगी, क्या चेंजेस होने वाले। मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस इंक्रीज इन सेल, ये ज़रूरी है कि ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो तो ज़्यादा सेल होनी चाहिए। जैसे आप फैक्ट्री लगा दी 10 आपका सेल नहीं हो रहा तो फैक्ट्री क्या होगी, बंद करनी पड़ेगी। मनी स्पेंड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वेदर दिस अमाउंट रिलेट्स टू रिडंडेंसी और नॉट, कहने का मतलब है कि अगर एप्पल इतना ज़्यादा पैसा फूंकता है R&D में, सैमसंग इतना लंबा चौड़ा पैसा लगाता है R&D में, तो उस समय आपको ये देखना होगा कि क्या ये फ़ायदेमंद है भी या नहीं है। एप्पल तो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है उस पर। असेसमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ द सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन द शॉर्ट, मतलब आपको ये देखना होगा उस इंडस्ट्री का असेसमेंट करना होगा, उसकी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट, इमीडिएट और लॉन्ग टर्म में कैसी होगी, आज क्या है मतलब अभी क्या है और थोड़े समय में क्या होगा और लंबे समय में क्या होगा उसका सेल और प्रॉफिटेबिलिटी। तो 6 हमने पढ़े, आई गेस 7 जो कि फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिमांड सप्लाई गैप, बैरियर्स टू एंट्री, गवर्नमेंट एटीट्यूड, स्टेट ऑफ कंपटीशन इन द इंडस्ट्री, कॉस्ट कंडीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, लास्ट वन इज टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। फिर बात आती है टेक्निक्स यूज इन इंडस्ट्री एनालिसिस। भाई साहब अब इसको करेंगे कैसे, तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं अपनी क्या क्या अभी तक पढ़े। हम पढ़ रहे थे अभी क्या, फैक्टर्स, एक ऐसा बनाते हैं उसमें लिखते हैं फैक्टर्स, अगर हो पाएगा तो, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। क्या पहला क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिमांड सप्लाई गैप, पहला है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट
लाइफ साइकिल, दूसरा आपका हो गया डिमांड सप्लाई गैप, तीसरा बैरियर्स टू एंट्री, डिमांड सप्लाई गैप, तीसरा हो गया बैरियर्स टू एंट्री, चौथा हो गया अपना गवर्नमेंट एटीट्यूड, गवर्नमेंट एटीट्यूड, पांचवा आ गया स्टेट ऑफ द कंपटीशन, स्टेट ऑफ कंपटीशन इन इंडस्ट्री, सिक्स एंड सेवन आर द लास्ट वन, कॉस्ट कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी और टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। कॉस्ट कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये सिक्स था, ये सेवन हो गया टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। ये हो गए फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे हमारी इंडस्ट्री एनालिसिस को। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निक्स यूज होंगी। टेक्निक्स क्या क्या हैं, आइए देखते हैं कि करके क्या क्या टेक्निक्स है। टेक्निक्स यूज इन इंडस्ट्री एनालिसिस, द टेक्निक्स यूज फॉर एनालाइजिंग द इंडस्ट्री वाइड फैक्टर्स आर, आर मतलब एक से ज्यादा है, कितना इजी है ये बोला लेते। पहला है रिग्रेशन एनालिसिस, यहां से शुरू करते हैं। फॉर आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, स्टेटिस्टिकल टेक्निक लाइक रिग्रेशन एनालिसिस एंड कोरिलेशन आर यूज। ये क्या है कि स्टेटिस्टिकल टूल है जिसके थ्रू हम एनालाइज करते हैं इंडस्ट्री को। क्या बोलता है ये टूल, इन्वेस्टर डायग्नोसिस, एक इन्वेस्टर डायग्नोस करता है, मतलब उसके बारे में पढ़ता है, रिसर्च करता है और अपना डिसीजन लेता है किसके बारे में। इन्वेस्टर डायग्नोस करता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री थ्रू प्रोडक्ट डिमांड एनालिसिस। प्रोडक्ट डिमांड एनालिसिस करके वो ये डिटरमाइन करता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है मार्केट में। फिर फैक्टर्स टू बी कंसिडर आर द जीएनपी, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो फैक्टर्स क्या क्या कंसिडर करता है प्रोडक्ट डिमांड एनालिसिस करते वक्त, कि क्या है जीएनपी हमारे देश की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसा है, बढ़ रहा है घट रहा है, डिस्पोजेबल इनकम कितना कमा रहा है लोग, कितना सेविंग करो, कितना डिस्पोज करो, 100 रुपया कमा के 10 सेविंग किया, 90 डिस्पोज किया, मतलब बहुत लंबा अच्छा खासा डिस्पोजेबल इनकम का रेशियो। पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है, पर आदमी कितना पैसा स्पेंड कर रहा है कंजम्पशन के लिए, और पर कैपिटा इनकम कितना है, कितना कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है, सिंपल सी बात कहें तो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी कितनी, कितना रुपया खर्च करने के लिए आदमी तैयार है और कब तक तैयार है, मतलब ऐसा नहीं कि बस आज खर्च किया तो बाद में नहीं करेगा। रिग्रेशन एनालिसिस आपको ये बोलता है इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में कि हम प्रोडक्ट डिमांड एनालिसिस करेंगे, प्रोडक्ट की डिमांड कैसी रहने वाली फ्यूचर्स में, उसको एनालाइज करेंगे। उसमें एक फैक्टर है जीएनपी, दूसरा है डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे आपको क्या पता चलेगा कि आने वाले समय में उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कैसी रहने वाली है, तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना इंडस्ट्री का एनालिसिस कर सकते हैं। फिर बात आती है इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इट रिफ्लेक्ट्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इकोनॉमी, इंटरमीडिएट स्टेप्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस एज गुड्स प्रोसीड फ्रॉम रॉ मटेरियल स्टेज टू द फाइनल कंजम्पशन, दिस इज कैरिड आउट टू डिटेक्ट चेंजिंग पैटर्न ट्रेंड्स इन इंडिकेटिंग द ग्रोथ एंड डिक्लाइन इन इंडस्ट्री। इनपुट आउटपुट अप्रोच, आई मीन इनपुट आउटपुट एनालिसिस, क्या लग रहा है इसमें, क्या इनपुट में आया और क्या आउटपुट में गया, मतलब कितना रॉ मटेरियल आया, कितना प्रोडक्शन होगा, आइए देखते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इकॉनमी,
एक इकोनॉमी में कोई भी गुड्स और सर्विसेज का फ्लो ये दिखाता है, इनपुट और आउटपुट एनालिसिस, जिसमें इंटरमीडिएट स्टेप्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो इंटरमीडिएट स्टेप रहता है, जैसे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना, मतलब कोई फिनिश गुड्स बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल खरीदा हो तो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेप आएगा जिसमें इन प्रोडक्शन प्रोसेस एज गुड्स प्रोसीड्स फ्रॉम मटेरियल स्ट्रेस टू द फाइनल कंज्यूम्पशन। अब इसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट प्रोसेस में उसको बनाया जाता है और वो फाइनल कंजुम्पशन के लिए जाता है। दिस इज़ कैरीड आउट टू डिटेक्ट द चेंजिंग पैटर्न ट्रेंड्स इंडिकेटिंग ग्रोथ डिक्लाइन इन इंडस्ट्री। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट ये लोग बना रहा है, रॉ मटेरियल खरीद रहा है, प्रोसेस कर रहा है, और जो फाइनल कंजम्पशन लोग कर रहे हैं, मतलब आपने बनाया 1000 यूनिट, ठीक है, आपका बिक रहा है, डिमांड जितनी है वो है से 700, 1000 में 700 की डिमांड है, 300 अभी भी आपके पास फिनिश गुड स्टॉक में पड़े हुए हैं। तो इनपुट जितना आप बना रहे हो उतना आउटपुट में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, तो ये एक एनालिसिस से भी आपको पता चलेगा कि अगर आपका इंडस्ट्री में आपने लंबा चौड़ा प्रोडक्शन यूनिट लगा के रखा है लेकिन उसकी सेल नहीं है तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप इंडस्ट्री को वहाँ पर समझ जाओगे कि आज कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्रोडक्शन बहुत कट कर रहे हैं क्योंकि पहले वो माल ज़्यादा बना दिए हैं, वो बिक नहीं रहा है, तो वो ज़्यादा बना के अब कोई फ़ायदा है नहीं, समझ रहे हो। तो वो भी आपको समझना होगा, इनपुट आउटपुट एनालिसिस दो टेक्निक से, रिग्रेशन जिसमें हम प्रोडक्ट डिमांड एनालिसिस करते हैं फिर इनपुट आउटपुट एनालिसिस करते हैं। तो क्या टेक्निक्स है, सॉरी ओके, पहला टेक्निक है आपका ये है रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस और इनपुट आउटपुट एनालिसिस लिख लेते हैं एक बार। पेन की आवाज आ रही है आपको? इनपुट आउटपुट एनालिसिस लिसिस, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर इंडस्ट्री एनालिसिस। मैंने इसको जॉट डाउन कर लिया है पहले से क्योंकि आपको तुरंत एक बार रिकैप करने के लिए इजी रहेगा। फैक्टर्स, इंडस्ट्री एनालिसिस हम लोग करते क्यों हैं, क्योंकि पहले हम इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं फिर उसको थोड़ा सा डीपर जाते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस करने के लिए। उसमें कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारे इंडस्ट्री एनालिसिस को, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आज प्रोडक्ट नया है, इनिशियल ग्रोथ, फिर उसके बाद डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाता है। डिमांड सप्लाई गैप को एनालाइज करते हैं, मतलब एक फैक्टर है बैरियर्स टू एंट्री, आपको कितना आसानी से एंट्री मिल जाती है, गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की तरफ, स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन इन इंडस्ट्री क्या है, कॉस्ट कंडीशन और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कहाँ आपका रॉ मटेरियल लाए और लेबर और ओवरहेड खर्चा लगा आपका, तो लेबर पे आपकी कैसी कंट्रोल है, कैसे आप कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। टेक एंड रिसर्च, टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहती है, जो जल्दी टेक्नोलॉजी लाएगा उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, कितनी ड्यूरेबल है टेक्नोलॉजी ये भी देखने की ज़रूरत है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं तो कितना उसका सेल की वैल्यू में रिटर्न आ रहा है मेरे को, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री एनालिसिस को इफेक्ट करेंगे। क्या टेक्निक है, रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें हम प्रोडक्ट एनालिसिस करते हैं बेसिकली, जिसमें हम फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, जैसे कि हमारा पर कैपिटल इनकम, GNP हमारा कैसा है। फिर बात आती है इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इनपुट आउटपुट एनालिसिस हम कितना बना रहे हो, कितना सेल हो रहा है, अगर ज़्यादा सेल नहीं हो रहा तो आप समझ लीजिए कि प्रोडक्ट की डिमांड कम है। तो ये रहा आपका इकोनॉमिक एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का हमारा लास्ट टॉपिक क्या होगा, कंपनी एनालिसिस, जो कि हम लोग करेंगे एनालिसिस अगले वीडियो में। तो अब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और अभी तक आपने वीडियो देखा है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर दर्ज कराए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से क्या शुक्रिया। शुरू में मैंने जो एक शायरी पढ़ी है मैं फिर से पढ़ देता हूँ एक बार उसको, कि चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा, चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा,
या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, शुक्रिया। We'll be right back.